Assalamualaikum. कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राणा और फारिया कमाल. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर? वेरी गुड सर. आज फुल ऑन कसौटी डायरेक्ट. हाँ जी. पहली कसौटी आफ्टर द ब्रेक. तो ब्रेक कहाँ थी? उस ब्रेक में भी कसौटियाँ थी. हाँ नहीं, वहाँ तो करते रहे लेकिन यहाँ स्टूडियो में ये पहली कसौटी है. और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा वो इशू है, आपको याद होगा जी सर, हबीब जालिब साहब वाला. हबीब जालिब साहब से मुतालिक हमने को गुफ्तगू शनीद की थी और उसके बारे में फिर बहुत लंबा चौड़ा वो सारा सिलसिला होता रहा. लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि हमसे कुछ ऐसे फिक्रे सरजद हुए जिनकी बिना पर उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई. अगर ऐसा हुआ है तो हम उसके लिए माजरत खा हैं, इसलिए कि हबीब जालिब के बारे में दो राय हो नहीं सकती. वो उन लोगों में उनका शुमार है जो सॉल्ट ऑफ द अर्थ कहलाते हैं. इसलिए ये सरासर गलत फहमी. और बस इसकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाता, इसको हम प्रोसीड करते हैं अगली बात से. जी सर, तो फिर चलते हैं आज के पहले चैलेंजर की तरफ, पहली पर्सनालिटी के लिए. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? उस्मान. उस्मान साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से ही हूँ जी, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ जी. ये मेरी बेगम है जी, कालीन का नाम है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी उस्मान साहब, शख्सियत मर्द है जी? बिल्कुल. जिंदा जी? बिल्कुल. एशियाई? नहीं जी. एशिया से ताल्लुक नहीं है? एशिया से तो ना होगा. तो नहीं, जरूरी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया. ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई मीन ही लिव्स देयर. फिर इससे शुरू कर लें फिर. ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है? नहीं जी. देखा ना, वो हम अपनी रूटीन से ना हटे और बाद में आप हंस के दिखा देते हैं कि बात ही कोई नहीं. इट कुड बी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यू कांट रूल आउट. नहीं तो फिर हम रूटीन में अपने जो बरे आजम है, कभी कभी चेंज भी करना चाहिए रूटीन को. लेट्स नॉट बिकम स्लेव्स टू रूटीन. ये शख्सियत जिंदा है जी? एक जिंदा मर्द. इसे तो खराब कर रहे थे. हाँ, जिसका ताल्लुक एशिया से नहीं है और से भी नहीं है. ताल्लुक यूरोप से है भैया? नहीं जी. अमेरिका से है जी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जी? एक जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है और आपने बताया शोभा, अभी हमने डिटरमिन नहीं किया. ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? मेन वजह शोहरत वो नहीं है. वजह शोहरत नहीं है लेकिन ताल्लुक सियासत और हुकूमत से भी है. हाँ जी, बहुत थोड़ा, लेकिन उस साइड पे ना जाएं वो. अच्छा, वो आपको गुमराह करेगा. ओके ओके गुड. क्या करने उस्मान साहब. हाँ मैं शुरू से देख रहा हूँ तो वो डांट नहीं खानी थी आफ्ताब साहब से. अच्छा जनाब, वजह शोहरत कुछ और है. बिग बिजनेस हो सकता है? यस. स्पोर्ट्स हो सकता है? शोबिज हो सकता है? बिग बिजनेस के मेरे ख्याल ज़्यादा चांसेस हैं, जिसने सियासत में भी थोड़ा बहुत हिस्सा लिया हो. मेरा ख्याल है वो शोबिज ज़्यादा वो करता है. ओके. वजह शोहरत शोबिज है जी? जी बिल्कुल. ओके गुड. वजह शोहरत शोबिज है और सियासत में भी उन्होंने ही डैबल्ड इन पॉलिटिक्स एज़ वेल. बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब रोनाल्ड रेगन से शुरू करें. तो आप इधर आए और डोनाल्ड ट्रंप जो अदाकार हैं, जो फिल्मी लोग हैं, फिर क्लिंट ईस्टवुड, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, यही है ना जी. फिर इसमें वो भी थे और उनकी वजह शोहरत तो बहरहाल मीडिया और शोबिज़ है. अलगोर, अलगोर याद है? यस. बड़ा शानदार आदमी. या जो बस हार गया, जिसका मुझे बड़ा गम है, आज तक गम है. He would have made a much better president than Bush Jr. जी 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 जी, a million times better. अच्छा जी, वजह शोहरत फिर फिल्म अदाकार है. Yes. उस्मान साहब, वजह शोहरत अदाकारी है? जी. ये पर दो लोग हैं जी, क्लिंट ईस्टवुड या फिर श्वार्ज़नेगर. 10 सवाल. क्यों? मतलब जो थोड़ा सा जिनका सियासत का भी टच है. और ट्रंप के बारे में क्या कहते हैं? ट्रंप का तो मेरा ख्याल है कि वजह शोहरत उसकी सियासत ही है, नॉट हिज एक्टिंग. उन्होंने कब कहा एक्टिंग? नहीं, उन्होंने एक्टिंग तो कहा है. अच्छा, ये कह रहे हैं
कि अदाकारी वजह शोहरत नहीं है। अच्छा, फिर ट्रंप नहीं है? या नहीं जी, मैंने कहा है अदाकारी वजह शोहरत है। अदाकारी वजह शोहरत सियासत में थोड़ा सा तो फिर ट्रंप नहीं है। यू आर राइट, ट्रंप नहीं है, फिर रेगन भी नहीं है। यस, ठीक हो गया। उनकी तो मेन वजह शोहरत ही वो है, सियासत है। जी 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 जी, फिर आ जाइए क्लिंट ईस्टवुड जो मेयर ऑफ मेयर रहे कैरमल सी। श्वाज़नेगर तो पहले, अच्छा ये पहले हो नहीं चुके क्लिंट ईस्टवुड? श्वाज़नेगर, श्वाज़नेगर मेरा ख्याल हो चुके दोनों हो चुके। श्वाज़नेगर हो, श्वाज़नेगर हो चुके और दोनों का ताल्लुक कैलिफोर्निया से, ऐसे ही है ना जी। एंड वन एक्चुअली वेंट फ्रॉम ऑस्ट्रिया, वन केम फ्रॉम ऑस्ट्रिया, लेकिन सियासत तो यहीं पे की ना। और ऑस्ट्रिया वाले को रूल आउट इसलिए करें कि वो पहले हो चुका है। दैट्स राइट, सो वी आर लेफ्ट विद क्लिंट ईस्टवुड। यस, क्लिंट ईस्टवुड, डर्टी हैरी मेयर रहे। ये किसी इलाके के मेयर रहे हैं भैया? जी बिल्कुल रहे। कैरमल सी के मेयर रहे हैं? जी उसी के। आपने क्लिंट ईस्टवुड पूछा, बिल्कुल। सोच के पूछे असी उस्मान साहब। क्लिंट ईस्टवुड बड़ी शानदार शख्सियत है, बहुत लाजवाब। yes. और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा शोबिज़ के हवाले से एक बहुत मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है। ये बहुत ही शानदार डायरेक्टर भी है, ये बहुत लाजवाब एक्टर भी है और फिल्म प्रोड्यूसर भी है। इसकी डायरेक्शन में वो जो मिलियन डॉलर बेबी वॉज अ ग्रेट मूवी, लेकिन अगर आप मेरी फेवरेट को फिल्म पूछें जिसमें क्लिंट ईस्टवुड था, तो एक तो इन द लाइन ऑफ एंड दूसरा द गुड द बैड द अगली। तो उसका म्यूजिक बड़ा अच्छा, म्यूजिक बहुत शानदार, अपने मुंह से बजाता है अली शान। वो डर्टी हैरी सीरीज मुझे कभी पसंद नहीं आई और वो बिल्कुल एग्जेजरेशन है, बेतुकी एग्जेजरेशन है। अमरीकी कॉप को पागल का पुत्र होगा तो वही हरकतें करेगा, इसलिए मैं उसको कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करता। हाउएवर इट वाज अ गुड पर्सनालिटी। थैंक यू, थैंक यू उस्मान साहब। थैंक यू जी। जी तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? जुहैर। जुहैर, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी कराची से। तो क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ, BBA कर रहा हूँ मैं, IBA से। ओके, IBA इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन व्हिच स्टार्टेड ऑफरिंग MBA डिग्रीज इन पाकिस्तान। वाह जी, बिल्कुल जी सर। जी जोहेब साहब, शख्सियत मर्द है जी, जिंदा जी, जरा ऊंची बोलिए आप जी, शख्सियत से डरे हुए लगता है। अच्छा, शख्सियत मर्द है, जिंदा है और ताल्लुक एशिया से जी, साउथ एशिया से जी, पाकिस्तान से जी। हाउ मेनी जीज? 5 G's। 5 G's, वेरी गुड। अच्छा 5 G's तो हो गया, लेकिन अब पर्सनालिटी जो है ना वो शोभा से ज्यादा सुबह ना कर लें पहले। हाँ शोभा भी हेल्पफुल होगा। ताल्लुक सुबह पंजाब से है जी। 6 G's। 6 G's। वजह शोहरत इल्म फजल है? नो। सियासत और हुकूमत है? नो। स्पोर्ट्स है? नो। शोबिज़ है? यस। 10 सवाल। ताल्लुक शोबिज़ से और वजह शोहरत मौसीकी हो सकती है, अदाकारी तो मुश्किल है। मुझे लग रहा था कि ये चूंकि IBA के स्टूडेंट है तो ये कोई सक्सेस लिटरेचर वाला बंदा लेके आएंगे। तुम्हारा ख्याल ही। यस, इट्स पार्ट ऑफ डिसेप्शन आल्सो, यू नो। मौसीकी की तरफ चले जाए, शोबिज़ और मेरे ख्याल TV की पर्सनालिटी पूछी होगी इन्होंने मोर देन द फिल्म। हमारे यहाँ फिल्म की ट्रेडिशन इतनी तगड़ी नहीं है और रिवाइव हो रही है, फिल्म रिवाइव हो रही है, लेकिन आप देख लीजिए कि ये जो ब्लॉकबस्टर आपकी हो गुजरी है पिछले दिनों, उसमें सारे एक्टर्स TV के थे। TV के हैं, दैट्स राइट। तो चले म्यूजिक का पूछा जा सकता है जी। म्यूजिक, अच्छा जी, वजह शोहरत मौसीकी है जी। यस, मेरी इंस्टिंक्ट बता रही थी कि ये म्यूजिक का पूछेंगे
और म्यूजिक शख्सियत जिंदा है, जिंदा ना जी। इज अली जफर फ्रॉम पंजाब? यस वेरी मच, ही इज माय नेबर। अच्छा, व्हाई ही लुक्स लाइक अली जफर? ही मे बी इंस्पायर्ड बाय हिम। क्या कह रहे, नवे जहाज का पायलट है जो एक पायलट ने ऐलान किया ना, कहता इन केस इट इज योर फर्स्ट फ्लाइट एंड यू आर फीलिंग नर्वस, डोंट डू दैट, इट इज आल्सो माय फर्स्ट फ्लाइट। ओह वाओ, अगले को मजीद नर्वस करो। अंग्रेजी लतीफा। सिंगर क्यों जी? यस इन ऑल प्रोबेबिलिटी। वजह शोहरत गायकी है जी। वाह, अब प्लेबैक सिंगर तो शायद ना हो। अली जफर ने तो एक्टिंग भी की है ना, एक्टर भी है। अली जफर की वजह शोहरत जो है वो गायकी ही है, एक्टिंग नहीं है। मैंने बड़े शौक शौक से तीफा इन ट्रबल देखी थी, बहुत इबरत हुई मुझे। मैं PIH बैग तीफा देखी और मैं तीफा तीफा कर दा। पहली बात तो ये, PIA में आपको स्क्रीन मिली कहाँ? PIA में कैसे? और अगर स्क्रीन मिली तो आपको उसमें फिल्म कैसे मिली? उसके साथ बैठा होगा कोई, उसका निकनेम तीफा होगा। इसके अलावा क्योंकि PIA में तीफे बैठते हैं है ना, मेरे लिए तो हैरत की बात है कि आपने PIA में फिल्म कैसे। हम भी बैठे थे PIA में, तुमने फिल्म कहाँ देखी? क्या मालूम, अपने फोन से डाउनलोड की। मेरा पहला सवाल यही था, PIA और मैं उन्हें पहले आधे घंटे जी बंद करता। Nevertheless, Tifa was good-looking boy. तो pop singer की तरफ जाया जाए? या acting भी की है? कितने actors हैं, जितने singers? दोनों main जो हैं, खास तौर पे आतिफ असलम, उसने एक बोल फिल्म में lead role किया हुआ है। Although couldn't make a mark as an actor, लेकिन उसको बीच में काम का drag किया था शोएब मंसूर साहब ने, because वो जो उनका प्रोटैगनिस्ट था वो सिंगर था बेसिकली। तो अच्छा तजुर्बा रहा। फिल्मों में बतौर हीरो भी काम किया है? नो नो। 13 क्वेश्चंस। वजह शोहरत प्लेबैक सिंगर के तौर पे, प्लेबैक तो अब कौन से हैं जो बड़े मशहूर जो? कुछ भी नहीं है, आतिफ असलम ही है प्लेबैक ही होगा। लेकिन आतिफ असलम तो हीरो, सजाद अली, आतिफ असलम भी चला गया, सजाद अली पहले कर चुके हैं हम, इसलिए राहत फतेह अली खान, शफकत अमानत, ये प्लेबैक नहीं है। खाली प्लेबैक, लेकिन खाली प्लेबैक नहीं है ना वो, आप जिस तरह कहें कि शोहरत प्लेबैक सिंगर के तौर पे जैसे मेहदी हसन। हां, वी कैन से जैसे आप मेहदी हसन वगैरह पिछले जमाने के करें तो ये इन्होंने की है, लेकिन ये नहीं कि कभी इनका चेहरा किसी ने देखा नहीं, उनका अपना मार्क है। फोक सिंगर्स भी हैं, उनका एक कैटेगरी वो भी है, जैसे वो जुगनी वाला है, आरिफ लोहार, नदीम लूणे वाला है। अच्छा जी, वजह शोहरत फोक सिंगिंग है? नो, सारे रूल आउट हो जाते हैं, और ताल्लुक पंजाब से। राहत फतेह अली खान भी प्लेबैक ही आंदे ने। राहत हो सकता है, वो तो नाम उसी पे इंडियन मूवी। राहत हुआ तो नहीं है ना पहले? नहीं 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 नहीं, प्लेबैक ही आंदे, प्लेबैक सिंगर ही है। लेकिन ये हमसे राहत फतेह अली खान क्यों पूछेंगे, हमने क्या बिगाड़ा इनको? राहत फतेह अली खान पूछ बैठे, पूछ सकते हैं जी, ही इज अ फ्री मैन। बट राहत फतेह अली खान इज टू ऑब्वियस, बाज़ूका था बड़े ऑब्वियस पे भी मुश्किल, चिराग तले अंधेरा होता पहुंच है। नहीं सकते ये समझते हुए कि इतना आसान तो नहीं पूछेंगे, ये क्यों पूछेंगे? वो उप्पल वगैरह यहाँ के हैं या राज उप्पल? राज उप्पल, हाँ जी, लाहौर के। और उसने इंडिया में भी गाया ना, ए आर रहमान के साथ बड़ा काम किया। अगर वो अच्छा सिंगर है तो ये हो नहीं सकता कि उसने इंडिया के साथ कोई कोलैब ना किया हो, ठीक है ना? तो वो दो तो रूल आउट हो गए जिन्होंने फिल्में भी की हुई हैं। बाकी जितने सिंगर्स हैं जो पंजाब बेस्ड हैं, उनमें फिर रह जाता है राहत फतेह अली खान, शिराज उप्पल, शफकत अमानत अली। शफकत ने इंडिया के लिए गाया कुछ? जी सर, मितवा होता ही, काफ़ी गाने हैं, बहुत गाने हैं। शफकत इज़ अ रिमार्केबल सिंगर। और क्लासिकल में हामिद साहब ने तो नहीं इंडिया के साथ कुछ किया? वो लंबा चौड़ा कुछ नहीं किया, नहीं किया ही नहीं। गुलाम अली साहब जिंदा ने इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम। ये भी रूल आउट करना चाहिए, क्लासिकल सिंगर हैं, क्लासिकल भी हो सकते हैं ना, क्लासिकल सेमी क्लासिकल। रफाकत अली खान भी इंडिया ने? नहीं नहीं, रफाकत अली खान
देखें आप जो इस वक्त हम कह रहे हैं ना कि सीनियोरिटी वाइज एज वाइज अगर हम आएँ तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। नंबर वन बुजुर्गान में गुलाम अली, गुलाम अली ठीक है, उससे आगे हमारे पास अगर देखा जाए तो राहत फतेह अली बुजुर्गान में हैं, तो वही ना मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बुजुर्गान में और कोई सिंगर एज सच जो हामिद अली खान है वो इन्होंने कीता होगा इंडिया ना काम, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होएगा। फिर हामिद अली खान के बाद आप रख लें राहत, राहत राहत तीन हो गए, फिर आ जाए शफकत अमानत अली, शिराज उप्पल, ये आपके पास चार बन गए या पांच है? पांच हो गए, पांच पांच, दीज आर द फाइव पीपल, इनसे हटके मेरे रेडार पे कोई नहीं आता, अगर हैं तो फिर कोई मतलब कंपैरेटिवली रिलेटिवली इतने रेलेवेंट नहीं या इतने। जावेद बशीर एंड हैदर अली, अली हैदर है उसका नाम, सिंगर अली है, कराची बहुत पुरानी बात, दैट इज कराची, ही इज कराची बेस्ड ना, जी सर, ही इज दुबई बेस्ड दीस डेज, इट्स बीन लॉन्ग टाइम ही लेफ्ट पाकिस्तान। अच्छा जी, अब अगर हम रूल आउट करने लगे ना तो इनमें कितने हैं जिन्होंने पंजाबी भी गाया उर्दू भी गाया? गुलाम अली, राहत, राहत ने पंजाबी गाया उर्दू गाया, शफकत अमानत अली ने पंजाबी गाया उर्दू गाया, तीन हो गए, हामिद अली खान ने भी यही किया क्योंकि सारे पंजाब से हैं ये सारे, शिराज उप्पल का मुझे नहीं पता, यो भी पंजाबी भी गाया उर्दू भी गाया। अच्छा पंजाबी, तो इसलिए ये सवाल जाया होगा, पंजाबी इतना मुझे कोई याद नहीं, एल्बम देख विषय है, इंडियन कनेक्शन से आपको जी पता चलेगा। शोहरत अगर हम कहें ना कि इंडियन सॉन्ग्स से हासिल की तो उसमें गुलाम अली नहीं है, हामिद अली खान नहीं है, नहीं राहत है, राहत है, शिराज उप्पल है और शफकत भी है, शफकत भी है, नहीं मितवा कहाँ का गाना, इंडियन इंडिया का, शाहरुख खान का गाना मूवी का, किसका? शाहरुख खान फिल्म का गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना, और मैं शंकर माधव इतरा रहा था कि पाकिस्तानी गाना नहीं, ये इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कभी अलविदा ना कहे, कभी अलविदा भी अच्छे गाने सन, शफकत दी अपनी एल्बम दे अच्छे गाने सन, पहली सी, अच्छा वो सारे तकरीबन अच्छे गाने, खमाज, खमाज भी, खमाज वाज, खमाज तो इन्हें बात चुका है, इनका फर्स्ट एल्बम सी ना, ओदे जते सारे सॉन्ग सी बड़े मजेदार, बड़े अच्छे सन। और अच्छा जी, तीन है फिर जो इंडियन शोहरत के हामिल है, ये नैरो करेगी। अच्छा जी, शोहरत दवाम इन्होंने हासिल की बॉलीवुड के लिए गाकर, नो ये तीनों आउट हो गए, राहत इज आउट, शफकत इज आउट, उप्पल इज आउट। अब आ जाइए गुलाम अली, आरिफ लोहार, आरिफ लोहार इज अ फोक सिंगर, फोक नहीं है, फोक नहीं, इन्होंने फोक कह दिया कि नहीं, नहीं है, आरिफ लोहार इज आउट, लेकिन गुलाम अली, गुलाम अली तेज, गुलाम अली देखा जाए तो उस संघासन पे बैठे हैं जो मेहदी हसन ने छोड़ा था। 15 सवाल, 15 सवाल, वी आर इन द डेंजर जोन, नो नो, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ इट, या कोई और जहन में लाइए कि इनके अलावा एज की तरफ आ जाए, 65 एंड अबव, ठीक है ना। अच्छा जी, ये शख्सियत जो आपने पूछी है इनकी उम्र 65 साल या अबव है? नो ओ, ये दोनों टॉपर्स रूल आउट हो जाते हैं। ठीक हो गया जनाब, जरा प्ले बैक। 16 सवाल, अब बग्गे को तो ये प्ले बैक सिंगर या सिंगर के तौर पे ना, बग्गा इज अ कंपोजर, इज अ सिंगर टू, सर इस टाइम उधर नाम सिंगर तो ही है जी, जितनी देर कंपोजर रहा हो कंपोजर ही रहा, तो नोबडी न्यू हिम बट वी नो हिम बिकॉज़ बट लाइक जनरली देखा जाए तो क्लेम टू फेम सिंगिंग से वो सामने, यस, साहर अली बग्गा, ये भी आप इसको भी शामिल करें, और साहर अली बग्गा नेवर सैंग फॉर इंडिया, ये एक क्योंकि साहर अली बग्गा इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ शान जी, तो शान को मैं समझता हूँ ना उसका मिजाज, वो इंडिया के लिए उसने गाया वाया नहीं है, वो नहीं किया, तो शायद ये एक ताहिर अली बग्गा हो सकता है, ये
और पंजाब से कोई यार, ये वो तो अब नहीं गाता करामे नजारा वारिस पे? नो, ही इज नॉट वारिस. करामे नजारा ये है, नाशाद साहब का बेटा है. यार क्या बड़ा मशहूर सिंगर था. मीरली. हाँ जी, अमीर अली. अमीर अली, अमीर अली कैन बी. ये भी अमीर अली ने ही गाया ना, ना ये गाना. बहरहाल चूड़ियाँ का गाना उसका बड़ा मशहूर हुआ था. और उसकी एज भी कम, मतलब 65 से कम एज के लोगों में आप देखिए अमीर अली, साहिर अली बग्गा, वारिस बेग. वारिस बेग वाई नॉट इब्रारुल हक. हाँ, इब्रारुल हक जी फोक चाहिए ना. वो फोक में, मोस्टली फोक में आता है, फोक सॉन्ग्स में. हमने पहले कर लिया और हम कर भी चुके हैं पहले. इब्रार हमसे पूछा था, खातून ने जी जो आई थी, और हमने अली जफर भी पहले किया हुआ. उस वक्त आप लोग सोच रहे थे इसलिए मैंने बोला. अली जफर बग्गा का ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर. लाहौर ही से है. काफू ब्रादरी. वेरी टैलेंटेड बेसिक ड्रमर बग्गा साहब. ड्रम बहुत आला, क्विस्टिक ड्रम सारा, बेस्ट प्लेयर. वो फिर बड़े ताफो साहब के शागिर्द होंगे. हाँ जी, हाँ जी. सजाद के वालिद जो है ना ताफो साहब, तो ताफो सही जी जी अपने तो, ना है ताफो जो असली ताफो सजाद हुसैन नहीं. मेरा तो ख्याल था अल्ताफ, अल्ताफ इनका नाम हो. अल्ताफ हुसैन ताफो. और एक और सिंगर है, इतना मारूफ नहीं है लेकिन सरगोदा या मंडी भाउद्दीन साइड से है वो. वो फिर फोक होगा. तोला सवाल. हमने क्या क्या शॉर्ट लिस्ट क्या किए हुए हैं सर? किसी फिल्म में एज अ हीरो काम किया? नहीं नहीं नहीं, जो अब शख्सियात रह गई हैं. ओके. वो हमने शॉर्ट लिस्ट की थी. साहिर अली बग्गा. साहिर अली बग्गा, अमीर अली, वारिस बेग. वारिस बेग. एनीवन एल्स? इब्रार है ही नहीं. नहीं, इब्रार तो हो चुका है ना पहले. आप थोड़ी देर माइक नीचे कर ले. आपको लग रहा है उनके हाथ थक जाएंगे? आप इजी हो जाए. ए पूछ लो नाल कंपोजर भी सिंगर ते है ही नाल. कंपोजर्स मोस्टली होते हैं ये सारे. बग्गा ने बग्गा जिवें रजिस्टर्ड कंपोजर है. अच्छा जनाब, इनकी वजूहात शोहरत में कंपोजिशंस भी हैं जी. हेयर यू आर. अब इसमें जो हमारे पास रह गए थे सिर्फ और सिर्फ साहिर बग्गा थे भाईजान. हाँ जी, वही. और तो कोई नहीं था. और तो कोई नहीं, मतलब कंपोजर एंड सिंगर. या सजाद अली हो तो उसे रोल आउट कर. सजाद अली हो चुका है. एंड ही इज नॉट फ्रॉम पंजाब. एंड ही इज नॉट फ्रॉम पंजाब. और कौन है कंपोजर तो सिंगर? अच्छा जी, फिर इन्हीं में से ना ताफो बरादरी में ही, और अगर देखा जाए तो कोई और सिंगर है सच, गो के सजाद पूरी कोशिश कर रहा है सिंगिंग में भी. दूसरे भी जड़े लाहौर लाहौर वाले. लाहौर लाहौर वाले वो भी गांधे. हाँ, दूसरा ताफो. हाँ, वो नहीं और वो कंपोजर नहीं है. साहिर अली बग्गा इज द रेज दीस डेज. यस. आयमा बेग है उसका नाम जिसके साथ इसने डुएट किया है. आईएसपीआर के साथ करते हैं दोनों. ही इज वेल कनेक्टेड विद द मिलिट्री. इनका पहला आइटम जो साहिर अली बग्गा साहब का हिट हुआ सी माफ करी मौला माफ करी अदल करी ना इंसाफ करी. उतों यानी के रजिस्टर्ड हो गया यार है कि बड़ा अच्छा सी. अच्छा जी, इन्होंने वो एक मशहूर गाना आयमा बेग के साथ गा रखा है. No, it is not. अच्छा, मशहूर गाना आयमा बेग दे नाल ओदे अपने सोलो बड़े मशहूर गाने. नहीं नहीं, आयमा बेग के साथ गाया ना तो ही सेज नो. कोक स्टूडियो. ये मशहूर गाना कोक स्टूडियो. नहीं, वो गाना है एक. हमने तो उसको एलिमिनेट करना है ना. हाँ, हो गया. 18 सवाल. अच्छा जी, कोक स्टूडियो से कोई मेल सिंगर आपके ज़हन में कौन आता है? एक लड़का जसवाल है. नहीं नहीं, कोई जसवाल सवाल नहीं, मुझे नहीं पता. शुजा हैदर. शुजा हैदर नॉट वेल नोन. अली सेठी. शुजा पाशा दी गल करो साडे नाल. शुजा हैदर. अली सेठी हुण ए नहीं पता कंपोजर है या नहीं. अली सेठी कंपोजर है. उसकी शोहरत एज अ कंपोजर नहीं है. सिंगिंग. और उसने व्हाइट हाउस में इंटर्नशिप की थी ना. किसने? अली सेठी. आई थिंक ही डिड हिज इंटर्नशिप एट व्हाइट हाउस. और एक बहन है उसकी जो एक्टर है मीरा सेठ. यस. देखिए, इन्होंने कहा जी वो इक्वली नोन एज अ कंपोजर है. तो मैं नहीं समझता कि अली सेठी इज इक्वली नोन एज अ कंपोजर. लेकिन कोक स्टूडियो से हमें
अगर कोई एक मिलती है ना हिंट, तो वो अली सेठी ही है। पिछले दिनों वो उसकी भी बात कर रहे थे ना, अरीब अजहर जो है अजहर साहब के, लेकिन वो इतना वेल नोन नहीं है। अजहर साहब कौन? पीटीवी के नहीं थे एमडी जो, उनका बरखुरदार अजहर, असलम अजहर, असलम अजहर इज़ द सिंगर। वैसे तो एक वो भी सिंगर है, वो भी एक सिंगर है, वो लाल बैंड वाला। हाँ, प्रोफेसर भी है वो। प्रोफेसर, यस यस, पॉलिटिकल साइंस वाला, यस, वो कॉमरेड तैमूर रहमान। तैमूर रहमान, दैट्स राइट, राशिद रहमान का बरखुरदार। वो नहीं है, कंपोजर नहीं है। कंपोजिंग भी करते होंगे वो, हल्की फुल्की। हल्की फुल्की की बात नहीं हो रही भाई, अली अजमत भी है, बड़े लेवल की बात है। अली अजमत उस लेवल का कंपोजर नहीं है। फिर एक और जुनून वाला सलमान, वो कंपोजर है, वो कंपोजर भी है, वो सिंगर भी है। सलमान जो आजकल इमरान खान के साथ जी, है, वही जी जी, सूफी, सूफी सोल। एंड ही इज एन अमेरिकन सिटीजन नाउ। जी चलें फिर, किस तरफ जाना है इस वक्त? तो मालूम तो केड़ी गलों कड़े आ जी, इंडिया, इन्होंने इंडिया के लिए कुछ वो नहीं किया। ये तो वाइटल साइंस, ठीक है, वाइटल साइंस बहुत बड़ा ग्रुप था, बड़ा तगड़ा ग्रुप था। और अगर तैमूर रहमान नहीं यार, नहीं था, और सलमान दोनों को अगर आपने करना ना एलिमिनेट, अली सेठी एंड सलमान हो सकता है, नॉट तैमूर। सलमान का भी ये ना कि सियासत से ताल्लुक, हाँ है, है, है। तो तैमूर भी आउट हो जाएगा उससे, और वो भी नहीं भाई, तैमूर सियासत और हुकूमत का सवाल कर लिया है, ये इनका नहीं है, ताल्लुक नहीं है उससे, तो नहीं। वो तो आउट है। ये आप माने ना माने, बात अली सेठी की तरफ जाती है, लेकिन अली सेठी कंपोजर के तौर पे कहाँ जाना जाता है, ये सवाल उसका दावा भी नहीं किया अभी तक, हाँ उसका नहीं किया। आर यू श्योर कि ये कंपोजर और सिंगर दोनों के तौर पे जाने जाते हैं भाईजान? ज़्यादा सिंगर के तौर पे, बट कंपोजर भी हैं। कंपोजर भी हैं, मैंने नहीं पूछा था, मैंने कहा था भैया कि इक्वल फेम आपके पास ही उस्मान साहब बैठे होंगे या जा चुके हैं, बैठे हैं ना, हाँ। ये इस तरह के जवाबात मिसलीड करते हैं हमेशा आपके, ये कि बेसिकली जब मैंने पिछली दफा पूछा था ना, मैंने ये नहीं पूछा था कि कंपोजर हैं कि नहीं, मैंने पूछा था जोहर साहब कि इनकी वजूहात शोहरत में कंपोजिशन और सिंगिंग दोनों यकजा इक्वल फेम, वरना मोस्टली जितने सिंगर्स होते हैं वो खुद के गानों के कंपोजर्स होते हैं। और उसमें साहिर अली बग्गा खास तौर पे मेरे ज़हन में था, आपने कहा यस ऐसा ही है, तो हम और ज्यादा मुस्तहकम हो गए उस पे, पुख्ता हो गए कि ये साहिर अली बग्गा ही होगा। तो इसलिए एक सवाल के नतीजे में फिर तीन सवाल और जाया होते हैं, फिर तो अली सेठी ही है, उसके अलावा कोई और, क्योंकि सलमान सूफी जो है उसका सियासत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। और ताउल्ला भी फोक है, जिंदा है, वो फोक है भी वो, और नौउम्र लोगों में से है, यानी कंपैरेटिवली यंग लोगों में से। तो अली फिट्स द बिल, अली सेठी, अली सेठी। ये बताइए कि अब दो सवाल है कि इनका वालिद जर्नलिस्ट है, ये एक सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है कि एक कोक स्टूडियो से मिली, कोक स्टूडियो का तذکرہ करना मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि कोक स्टूडियो हमारा क्लाइंट भी है। कोक स्टूडियो नहीं, कोक है, कोक है, कोक पाकिस्तान इज आवर क्लाइंट। कोक से शुरू कर ले, वरना फिर ये पूछ सकते हैं पब्लिशर, नजम सेठी इज पब्लिशर। नहीं वो तो है पब्लिशर, तो खैर है, जर्नलिस्ट हो गया, वो सारा सिलसिला हो गया। अच्छा जी, शोहरत दवाम कोक स्टूडियो से मिली? नो नो। 19 सवाल, आखिरी सवाल। वाह जी वाह, मतलब केड़ा सिंगर पूछ लिया। ये वो तो नहीं पूछ रहे, मलक साहब आ गए जी, मलक साहब आ गए, ये भी गाया गाना। बड़ा हिट गाना जी आज। वो किसने गाया वो पेप्सी, क्या नाम है उसका? अल्लाह रखा श्रीलंका श्री पावे। नहीं लेकिन ही इज अ थिएट्रिकल परफॉर्मर। आखिरी सवाल 19 हो चुके हैं जी। इन डेंजर जोन। प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक यार यंग है, नौजवान है, मतलब कम उम्र है, तो फिल्में तो एज सच हैं कोई नहीं, ना कोई गाना हिट होया फिल्म दा किसी दा, या तो होवे ना कोई गाना ही हिट हो। इसलिए प्लेबैक सिंगर जो है ना, उनमें अमीर अली है,
या गुलाम अली साहब? अनवर रफ़ी भी जिंदा? अनवर रफ़ी को उस लीग में नहीं आता, लेकिन वो तो बड़े बड़े हिट गाने। अनवर रफ़ी और वो जो है ना, क्या कहते हैं, अनवर रफ़ी एंड अमीर अली, दोनों एक ही। वो जो एक फिल्म का थीम सॉन्ग है, हम सफ़र था जी। वो हम सफ़र था, वो हम कुरतुलैन बलोच, क्यों भी नहीं गाया हुआ, क्यों भी का है दोनों। किस पास बंदा लग रहा है, मर्दाना आवाज है उसकी। नहीं नहीं, मतलब ये दे नहीं होते दी तत्ता जी। आहा, ठगिया। और लिखा ये गालबन 71 के कॉन्टेक्स्ट में था। हाँ जी, ये तो हाँ। सो वन क्वेश्चन, डॉक्टर साहब को मारूफ शख्सियत तो है ना ये? हैं जी सर। अच्छा, कहीं बब्बू को ना पूछ लिया हो। अरे बब्बू इज नॉट नोन एज अ सिंगर, फॉर गॉड सेक। यू आर गोइंग टू बी बाबर फतेह अली खान। बब्बू को नहीं पूछ सकते, फिर वो बाबर फतेह अली खान को पूछेंगे। और बब्बू कंपोजर? ये अशफाक मिट्टी तो हो सकते हैं। कंपोज किया नहीं थोड़ा ओपन माइक नहीं यार, सीरियसली हम अब ये डेंजर जोन में हैं। आखिरी सवाल, ये है इन्हीं में से? अमीर अली तो नहीं हो सकता, अमीर अली नहीं पूछेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं। तो वारिस बेग को हमने एलिमिनेट कर दिया। वारिस बेग सईद नु ना पूछ रहा हूं की ना होता सईद जमशेद नहीं अब मुंडा जड़ा हैगा चिट्टे वाल करके गांदा जी आजकल बिलाल सईद। बिलाल सईद नहीं पंजाब से तो नहीं चिट्टे तो नहीं करता हैगा जी बिलाल सईद, लेकिन वो इंडियन बैग भी है। इंडियन नहीं, इंडियन नहीं, पाकिस्तान। ओ यार वो भी तो हो सकता है, दैट सिंगर जो इसमें जीता था, वो फैसलाबाद वाला जो हमें अमानत अली। अमानत जो भी हो सकता, कैनेडियन हो गया। अमानत इज अ कैनेडियन सिटीजन नाउ बट अ गुड सिंगर। कोई ऐसा सिंगर लगता है जो चिराग तले अंधेरे वाली बात हो, कि हमारा ध्यान ना गया उधर। और कोई लाहौर में कौन से सिंगर हैं जी आजकल? ओटीएस बड़े गा रहे हैं मुंडे ड्रामे वाले। अपने गाने आप ही लिखता है? अपने गाने तो अक्सर सारे सिंगर्स अक्सर कंपोज भी वो खुद ही करता है, बिलाल दे जिन्ने भी गाने। ए भाई मैं बस इंज करके सूची लैन ते सीधा टिपिकल लॉरी है। अगर अमीर अली नहीं तो फिर वारिस बेग भी नहीं, क्या ख्याल? वारिस बेग पूछ सकते हैं। एक दो गाने इंडस्ट्री से हिट ने वारिस दे, तकरीबन उन्ने ही जिन्ने अमीर अली दे। हाँ, लेकिन वारिस बेग ज्यादा मारूफ है अमीर अली से। अच्छा, चेहरा तेरा बात होती है एज ग्रुप की, चांद झरोके में, पता नहीं किस जमाने के गाने। चांद झरोके में दैट वाज द मोस्ट फेमस सॉन्ग। इंतजार करते करते नींद आ गई। ज़ुहेर इज़ स्लीपी। ना उन्हें इंतजार करते करते ज़ुहेर को नींद आ गई। और पूछो एडा मुश्किल। हो सकता है अपने अपने पसंद का, अपनी टाइप का म्यूजिक होता है। मुझे लगता है इन्होंने बहुत ही ज्यादा अपनी टाइप का पूछ लिया है, जो हमारी टाइप का बिल्कुल नहीं है। हां क्या कहने, जब ज़ुहेर भाई बैठे सन उदो अमेरिकन लग रहे सन, हुण हुण चाइनीज लग रहे। नींद आ गई। अजय जी नींद आ रही है आपको शदीद? यस। नहीं, मारूफ में तो है मेरे ख्याल में फिर वारिस बेग हो सकता है। आखिरी सवाल, वारिस बेग को कैसे एलिमिनेट किया जाए? रावियन गवर्नमेंट कॉलेज, मेरे ख्याल वी शुड शूट दैट क्वेश्चन। हाँ, करके बिचों सोला कड़ी। या ज़ुहेर साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल करते रहे? नो नो। नाम लेना है? नाम लेना है तो कौन है जी अभी जो पीछे बचा? अमीर अली। ओके, अमीर अली के अलावा या वो क्या रफ़ी? नूर रफ़ी। ले अनवर रफ़ी। अनवर कहता जुवेद रफ़ी। आप प्लेबैक सिंगिंग पूछ लेते वैसे ही। बड़ा बंदा मिस हुआ। नहीं, I would be surprised if he asked Anwar Rafi and even Waris Beg और Ameer Ali। ये कोई इन सब से different है कोई शख्सियत
अटके हैं, शाम चौरासी के किसी एक को मिस कर रहे हैं। शफकत के अलावा एक और बड़ा अच्छा सिंगर है इनमें, अहमद अली खान। रफाकत, रफाकत अली खान, वो शाम चौरासी नहीं, हो दूसरा कराना, ये पटियाला है। दिस पटियाला, दूसरा शाम चौरासी, ये पटियाला, रफाकत कैन बी, नहीं शाम चौरासी का है, वो पटियाले का नहीं, वो भी इंडिया तो ही हिट है। शफकत तो पटियाला है ना? हाँ जी शफकत, शफकत इस पटियाला, ये शाम चौरासी है, और ये हम रफाकत को, लेकिन रफाकत होया इंडिया तो हिट है मेरा, इसको तू कुजा मन कुजा होने दी हिट हुई दोबारा। वाह बहुत खूबसूरत, नाम लेना है। रफाकत इंडियन कनेक्शन है भाई, बड़ा तगड़ा इंडियन कनेक्शन, बड़ा तगड़ा। फिर तो तारक ताफ हो रह गए। As FSJ does, go with the physiognomy. You mean somebody who resembles him? Not necessarily resembles, but sometimes you know you can just predict the inclination kind of thing. He's reading. Yeah. मैं नए सिंगरों को जानता नहीं हूँ ज़्यादा। नए सिंगर इन्ने मशहूर है भी कोई नहीं, जेड़े है सन वो सारे सी कर लेने बाहर। नए सिंगरों के विचों मतलब के जसवाल तक तो चलो फिर भी लोग जानते हैं जसवाल, वो भी मेरा ख्याल है कोक स्टूडियो से आ गया है। स्टूडियो से याद है लोगों को, या फिर वो मतलब के शफकत अमानत ते रफाकत, ये भी कोक स्टूडियो, ये क्लासिकल हो गए, क्लासिकल प्लेबैक। अच्छा जी, हमने सिर्फ नाम लेना है जी। बेटी हम चलो सीखी कि उस पे हार गए, कभी-कभी हो जाता है, लेकिन कोई नाम आए तो सही ना, कोई ढंग का नाम तो आए। वी जस्ट हैव टू शूट, वी शुड शूट प्रॉपरली। कौन आता है ज़हन में भाई, है बड़ा मरना है इस शो दा। अली अजमत नु लम्मी पै जाए ना, अली अजमत के रूल आउट होया। अली अजमत हां, इज ही फ्रॉम पंजाब, ही इज फ्रॉम लाहौर। हां सो इट कुड बी अली अजमत। हां दिल दिल पाकिस्तान नहीं, वो तो जुनेद जमशेद है। जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार, फिर 92 दा वर्ल्ड कप। जी इन सब में अजमत नंबर 1 है देखा जाए ना, तो शोहरत भी और काम के हवाले से भी। नाम ही इज आल्सो अ कंपोजर, कंपोजर। अच्छा आई थॉट ही इज अ रावियन टू। रावियन है हां जी, गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन मे बी, अच्छा जी आर यू श्योर ही इज नॉट अ रावियन? ज़ोहर साहब मे बी ही डजंट नो, मे बी यू डोंट नो। Guess you can say, sir. हो सकता है ना हो, तो फिर थोड़ा सा मिसलीड हम हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर ये अली अजमत ही है। ओ अच्छा जी, हम फिर शूट करने लगे हैं। दिस इज अली अजमत। यस सर। अरे क्या कह रहे ज़ोहर, हाँ गुड पर्सनालिटी, लेकिन यू शुड बी नोइंग ही इज अ रावियन। Quite a celebrity. I don't think he is. अच्छा क्यों भाई, तुम कहते हो कि रावियन है? इन्हें एक इंटरव्यू जो ने किया जो गवर्नमेंट कॉलेज जाइदा सी पढ़न है जे, वो जरूरी नहीं पढ़ने जाते। Do you personally know him or you are just one of his fans? Sir, I'm one of his biggest fans. I love all his albums and especially जो उन्होंने solo albums की थी, Social Circus और Clash and Four. बस फिर आपको ज़्यादा पता होगा, रावियन होता ना तो उसके कुर्बो जवार में, उसकी साइड लाइन्स पे मुझे कभी नज़र ज़रूर आया होता, चाहे वो मेरा जूनियर ही था, लेकिन ओल्ड रावियंस और गेट टुगेदर्स में कहीं ना कहीं उसका तस्करा। फिर किसी एचिसन को पागल, रावियन नहीं एचिसन, एचिसोनियन तो वो है। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच।